हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत में हम टेसा और जस्टिन को एयरपोर्ट पर देखते हैं। टेसा एक एक्टिविस्ट है जो अपनी रिसर्च के लिए केनिया के एक शहर लोकी जा रही है, और उसके साथ में एक केनियन डॉक्टर है जिसका नाम अर्नॉल्ड है। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं लोकी में बीच पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से लाश निकालकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और यहाँ हम लंदन में देखते हैं जस्टिन को सैंडी ने अपने घर मिलने बुलाया है। सैंडी एक ब्रिटिश हाई कमीशन में काम करता है, जस्टिन भी एक लो ग्रेड ब्रिटिश डिप्लोमेट है। सैंडी बताता है कि कल लेक तुर्काना से पुलिस को एक महिला की लाश मिली है। जस्टिन ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि अभी उसने कुछ दिन पहले ही टेसा को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था। सैंडी बताता है एक ब्लैक ड्राइवर और टेसा की लाश मिली है और अर्नॉल्ड का कोई पता नहीं है। डॉक्टर अर्नॉल्ड वही था जो टेसा के साथ लोकी गया था। ये सुनकर जस्टिन की आंखें भर आती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं टेसा और जस्टिन पहली बार कैसे मिले थे। जस्टिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें कई एक्टिविस्ट आए थे, जिसमें से एक टेसा थी। टेसा जस्टिन पर सवालों के बौछार कर देती है कि अमेरिका द्वारा इराक इन्वेशन ये किस हद तक सही था, बस चंद बैरल ऑयल के लिए कब तक ऐसे ही कई देश बर्बाद होते रहेंगे। यूनाइटेड नेशन का निर्माण दुनिया की भलाई के लिए किया गया था, न कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए। सारे एक्टिविस्ट टेसा के इस बर्ताव से नाराज होकर चले जाते हैं। टेसा इमोशनल हो जाती है। जस्टिन को टेसा के किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। वो टेसा के पास आता है और उसे कंफर्ट करता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, फिर टेसा उसे अपने घर इन्वाइट करती है और दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जस्टिन और सैंडी लोकी शहर के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां टेसा की बॉडी रखी है। उसको बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया था। उसका चेहरा तक साफ नहीं दिखाई दे रहा था और मरने से पहले कई लोगों ने उसका रेप किया था। जस्टिन टेसा को देख के इमोशनल हो जाता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। जस्टिन का ट्रांसफर केनिया में हो रहा था। टेसा कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, पर जस्टिन मना करता है क्योंकि हाई कमीशन उसे अपने साथ ले जाने की परमिशन नहीं देगा, पर टेसा उसे कन्विंस कर लेती है। हम देखते हैं टेसा और जस्टिन को केनिया में 8 महीने बीत गए हैं और टेसा प्रेग्नेंट है। टेसा वही अपनी रिसर्च कर रही है। केनिया में 3B नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी TB पर एक ड्रग ट्रायल कंडक्ट कर रही थी, जिस ड्रग का नाम डाइप्राक्सा है। 3B अवैध रूप से लोगों पर ये ट्रायल कर रही थी। हम देखते हैं जस्टिन और टेसा काफ़ी खुश थे क्योंकि कुछ दिन में ही टेसा एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। टेसा अपना ज़्यादा वक्त अर्नॉल्ड के साथ ही रिसर्च में बिताती थी, जिससे जस्टिन को लगता था कि टेसा और अर्नॉल्ड सीक्रेटी रिलेशन में है, पर उसने टेसा से कभी इस बारे में बात नहीं की। एक दिन एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें केनिया का हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर नागाबा और 3B का CEO कर्टिस भी आया हुआ था, और वहाँ बर्नार्ड भी आया था जो ब्रिटिश हाई कमीशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। टेसा और अर्नॉल्ड भी उसी पार्टी में आए थे। टेसा कर्टिस और नागाबा के पास जाती है और पूछती है कि आप जो लोगों को डाइप्राक्सा दे रहे हो वो किस हद तक ठीक है, पर बर्नार्ड बात बदल देता है और कर्टिस और नागाबा को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं अर्नॉल्ड और टेसा एक स्लम एरिया में होते हैं। वहाँ 3B का ट्रायल चल रहा था। टेसा पूछती है पर वो लोग डॉक्टर को डब्बे में क्या भरकर दे रहे हैं। अर्नॉल्ड कहता है वो सालिवा है। टेसा कहती है पर HIV का टेस्ट इस तरह से नहीं होता। अर्नॉल्ड कहता है वो TB का भी टेस्ट कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में। टेसा कहती है ये फार्मा कंपनीज है, ये लोग बिना फायदे के कोई काम नहीं करते, जरूर इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हम देखते हैं टेसा और जस्टिन हॉस्पिटल में बैठे हैं। टेसा ने अपना बच्चा खो दिया है क्योंकि टेसा काफ़ी हीट और भागदौड़ में काम कर रही थी, इसीलिए उसका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। टेसा एक महिला के बच्चे को ब्रीस्ट फीड कर रही होती है जो कि बच्चे को जन्म देते ही मर गई है। वहाँ सैंडी आ जाता है और टेसा के लॉस के लिए दुख जताता है। टेसा सैंडी को बताती है कि इस बच्चे की माँ का नाम वांजा की लूलू है जो इसे जन्म देते ही मर गई। वो बस 15 साल की लड़की थी। वहाँ उस लड़की का भाई कीकियो भी था जो सिर्फ 12 साल का है, जो 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी बहन और उसके बच्चे के लिए वहाँ आया था। टेसा कीकियो को वो बच्चा दे देती है। टेसा को लगता है वांजा किलुलू की मौत डाइप्राक्सा दवा के वजह से हुई है, पर सैंडी उसे कहता है कि शायद तुम अभी ठीक नहीं हो।
टेसा कहती है, तुम इस बात को बाहर लाने में हमारी मदद करोगे, सैंडी उसे प्रॉमिस करता है। जाते वक्त अकेले में सैंडी जस्टिन से कहता है कि तुम्हारी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जस्टिन को ये बात अच्छी नहीं लगती। जाते वक्त टेसा देखती है कि कीकियो अपने परिवार के साथ घर जा रहा है। टेसा को उसके लिए काफी दुख होता है कि उसके परिवार को 40 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल घर जाना होगा। वो जस्टिन से कहती है कि वो उन लोगों को घर छोड़ दे, पर जस्टिन कहता है कि हम ऐसे सबकी मदद नहीं कर सकते। टेसा कहती है, हम एक परिवार की तो मदद कर सकते हैं, पर जस्टिन मना कर देता है। इससे टेसा दुखी हो जाती है। एक दिन टेसा रात घर आती है। जस्टिन उससे कहता है, तुम और अर्नोल्ड मिलकर जो भी रिसर्च कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बंद कर दो, पर टेसा उसे इग्नोर कर देती है। हम देखते हैं उस वजह से दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। टेसा भी अपनी रिसर्च को पूरी तरह से छिपा कर रखती थी। उसने इस बारे में जस्टिन को कुछ नहीं बताया था। एक दिन टेसा सैंडी के ऑफिस में आती है। टेसा ने कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश हाई कमीशन हेड बर्नार्ड को एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने डायप्राक्सा की वजह से केनिया में होने वाले मौतों का खुलासा किया था और वो जल्दी उस पर कोई एक्शन लेने के लिए कहा था। ये लेटर टेसा ने सैंडी द्वारा भेजा था। टेसा के पूछने पर सैंडी बताता है कि उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। टेसा कहती है, जो तुम्हें रिस्पॉन्स में लेटर आया है वो दिखाओ। सैंडी कहता है, वो प्राइवेट है, मैं नहीं दिखा सकता। सैंडी बताता है, मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए कहा गया है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। टेसा जानती थी कि सैंडी की नज़र उस पर कब से है। टेसा उसे प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसे लेटर दिखाएगा तो वो उसके साथ रात बिता सकती है। सैंडी मान जाता है और उसे लेटर देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, पढ़ने के बाद इसे यहीं ड्रॉवर में रख देना, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं अर्नोल्ड और टेसा लोकी जा रहे हैं एविडेंस इकट्ठा करने, जो सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और लोकी में ही टेसा की हत्या कर दी जाती है। अब फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। हॉस्पिटल से सैंडी और जस्टिन घर आते हैं। जस्टिन का सर्वेंट बताता है कि टेसा की फाइल कंप्यूटर सब पुलिस लेकर चली गई। जस्टिन टेसा के कमरे में जाता है। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जो टेसा ने छिपा कर रखा था। उसमें एक लेटर था। ये वही लेटर था जो बर्नार्ड ने सैंडी को लिखा था। सैंडी जस्टिन के घर में वही लेटर ढूंढने लगता है। सैंडी को पता था अगर वो लेटर किसी के हाथ लग गया तो वो खत्म हो जाएगा। जस्टिन कमरे से बाहर आता है, पर वो उस लेटर के बारे में सैंडी को कुछ नहीं बताता। जस्टिन को उस बॉक्स में एक डायप्राक्सा का पेपर भी मिलता है। ये वही टीबी की दवा थी जो 320 लोगों को दे रही थी। उसके पीछे वांजा किलुलू का नाम लिखा था और उसके मरने की तारीख भी थी। दूसरे दिन टेसा के शरीर को दफनाया जाता है। सब चले जाते हैं। जस्टिन वही खड़ा होता है। तभी वहाँ वांजा किलुलू का भाई कीकियो आ जाता है। वो 40 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ टेसा को अंतिम विदाई देने आया था, क्योंकि टेसा ने उनके परिवार की काफ़ी मदद की थी। जस्टिन को याद आता है कि टेसा के कहने पर उसने इनकी मदद नहीं की थी और उसे इस बात का पछतावा होता है। दूसरे दिन जस्टिन गार्डनिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ गीता आ जाती है। गीता भी एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थी और वो टेसा के काफ़ी क्लोज थी। जस्टिन उससे पूछता है, अर्नोल्ड और टेसा लोकी में क्या कर रहे थे। उसे लग रहा था अर्नोल्ड और टेसा के बीच अफेयर था, पर गीता बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अर्नोल्ड एक होमोसेक्सुअल है और उसका बॉयफ्रेंड भी है, पर केन्या में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है, इसीलिए वो ये बात किसी से बताता नहीं था। जस्टिन को पता चल जाता है कि टेसा को एक षड्यंत्र के तहत मरवाया गया है। जस्टिन दूसरे दिन उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वांजा किलुलू एडमिट थी, जहाँ उसकी डेथ हुई थी, पर उस हॉस्पिटल ने सारे रिकॉर्ड मिटा दिए थे। वहाँ ऐसी कोई पेशेंट ही नहीं थी। जस्टिन के समझ में आ जाता है कि ये खेल उसकी सोच से काफ़ी बड़ा है। जस्टिन वहाँ से कीकियो के विलेज चला जाता है, शायद वहाँ से उसे कुछ पता चले। वहाँ वो कीकियो से मिलता है। वो उस कैंपिंग के लाइन में लगा था जहाँ टीबी की दवा मिल रही थी। जस्टिन कीकियो से बात करता है, तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है। वो कहता है कि वांजा ने अपना टीबी का ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था और उसने अपना कार्ड कैंसिल करवा दिया था। जस्टिन को पता था कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पुलिस आती है और जस्टिन को अपने साथ लेकर चली जाती है। जस्टिन का हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। वो कहाँ जा रहा है और किससे मिल रहा है। पुलिस के पूछने पर जस्टिन बताता है कि वो बस उस लड़के को धन्यवाद देने आया था, क्योंकि वो मेरी वाइफ के फ्यूनरल पर आया था।
तभी वहां सैंडी आ जाता है अपना लॉयर लेकर और जस्टिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरे दिन जस्टिन गीता को एक कैफे में बुलाता है, शायद इस वक्त वही थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था। वो बताता है कि टेसा और अर्नॉल्ड ने 3 बीस के ट्रायल के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन को एक लेटर लिखा था, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ। गीता उसकी तरफ देखती है, जस्टिन उससे कहता है प्लीज़ मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। गीता बताती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि वो रिपोर्ट की कॉपी टेसा ने सैंडी को दी थी। वहाँ गीता बताती है कि टेसा तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। गीता बताती है कि वो रिपोर्ट टेसा ने केनी कर्टिस को भी भेजा था, केनी 3 बीस का CEO था। दूसरे दिन जस्टिन केनी के यहाँ जाता है और उससे उस रिपोर्ट के बारे में पूछता है, पर केनी इस बात से साफ इनकार कर देता है कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिला और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जस्टिन लंदन बर्नार्ड के पास जाता है, वहाँ भी वो बर्नार्ड से पूछता है कि डायप्राक्सा के ट्रायल पर टेसा ने तुम्हें लेटर लिखा था। बर्नार्ड पूछता है क्या तुम्हें कोई लेटर मिला टेसा की चीज़ों में। जस्टिन समझ जाता है बर्नार्ड उसी लेटर की बात कर रहा है जो उसे टेसा की डायरी से मिला था। वहाँ भी उसके हाथ निराशा लगती है, सब उससे बात छिपा रहे थे। एयरपोर्ट पर जस्टिन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑर्डर पर ताकि वो शहर छोड़कर बाहर न जा सके। जस्टिन एयरपोर्ट पर अपने लॉयर हैम से मिलता है जो टेसा का कजिन ब्रदर है। हैम बताता है कि मरने से कुछ दिन पहले ही टेसा ने अपनी वसीयत जस्टिन के नाम कर दी थी। जस्टिन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। जस्टिन को टेसा के फाइल से एक फोटो मिलती है जिसमें बर्नार्ड 3 बीस के CEO केनी के साथ है। उसे कुछ समझ नहीं आता। जस्टिन टेसा के पुराने घर पर जाता है जहां उन्होंने एक साथ खूबसूरत पल बिताए थे। उन्हें याद करके जस्टिन रोने लगता है। दूसरे दिन हैम जस्टिन को वहां से निकालने के लिए फेक पासपोर्ट बना के देता है। जस्टिन को पता था कि उस पर नजर रखा जा रहा है। जस्टिन वहां से जर्मनी निकल जाता है क्योंकि उसे टेसा के फाइल से एक महिला की तस्वीर मिली थी जिसका नाम बर्गिट था, जिससे टेसा अपनी रिसर्च पर बात कर रही थी। जस्टिन को उम्मीद थी कि उसे वहां कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो वहां बर्गिट से मिलता है। वो अपने बेटे को स्कूल से लेने आई थी और काफी डरी हुई थी। उन्हें पता था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। बर्गिट बताती है कि मेरा कंप्यूटर कल रात चोरी हो गया। बर्गिट सिर्फ 5 मिनट का वक्त देती है उससे सवाल पूछने का। बर्गिट बताती है डायप्राक्सा TB का इलाज कर रहा है पर उससे कई लोगों की जान भी जा रही है क्योंकि 3 बीस को दवा का अब तक सही फॉर्मूला नहीं मिला है। जस्टिन पूछता है तो फिर वो उस पर काम क्यों नहीं करते। बर्गिट बताती है क्योंकि लैब में उस पर कई सालों का वक्त बर्बाद हो चुका था, $1 मिलियन खर्च हो चुके थे तो कंपनी ने बिना ट्रायल के ही उसे मार्केट में उतार दिया। बर्गिट बताती है कि 3 बीस ने सबको पैसे देकर सबका मुंह बंद कर दिया है और इसमें केन्या की सरकार भी मिली हुई है। बर्गिट अपनी बातों में लॉरबीर का जिक्र करती है। जस्टिन के पूछने पर वो बताती है कि लॉरबीर वही शख्स है जिसने डायप्राक्सा का निर्माण किया है, लेकिन जब उसने देखा कि लोग इसके साइड इफेक्ट से मर रहे हैं तो वो सब छोड़कर फरार हो गया। बर्गिट बताती है कि तुम अफ्रीका जाओ, लॉरबीर तुम्हें शायद वही मिलेगा। जस्टिन होटल के कमरे में जाता है। वहां 2 शख्स मास्क में आए थे और जस्टिन को बुरी तरह मारते हैं और उसे कहते हैं अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो उसका अंजाम भी उसकी वाइफ की तरह होगा। दूसरे दिन हम देखते हैं पुलिस को लोकी के एक बीहड़ में पेड़ से लटकी हुई अर्नॉल्ड की लाश मिलती है। अर्नॉल्ड टेसा का रिसर्च पार्टनर था। टेसा के डेथ के बाद से वो मिसिंग था। अर्नॉल्ड को बुरी तरह से मारा गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को काट के उसके मुंह में डाल दिया गया था। दूसरे दिन जस्टिन सैंडी के पास आता है और उसे वही लेटर दिखाता है जो बर्नार्ड ने टेसा को लिखा था। सैंडी कहता है मैं टेसा से प्यार करता था। जस्टिन कहता है उसने तुम पे भरोसा किया था। जस्टिन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि बर्नार्ड ने टेसा की रिपोर्ट को क्यों सीरियस नहीं लिया। सैंडी बताता है कि 3 बीस एक कैनेडियन कंपनी है पर उसका CEO केनी कर्टिस एक ब्रिटिश है, इस तरह से वो बर्नार्ड को जानता है। सैंडी कहता है कुछ दिनों में 3 बीस का प्लांट फ्रांस में लग रहा है और हमें इसका अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, तुम भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस बात पर जस्टिन और गुस्सा हो जाता है। जस्टिन कहता है उन लोगों का क्या जो उस ड्रग के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। सैंडी कहता है क्या फर्क पड़ता है, डेथ रेट कोई काउंट नहीं करता। वो कहता है कि टेसा के लोकी में होने की खबर उसने ही केनिया को दी थी और उसने ही खुद गुंडे हायर करके उसका रेप करवाया और उसे मार दिया।
इस पर जस्टिन इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, तुम तो टेसा से प्यार करते थे, तुमने उसे क्यों मरने दिया। सैंडी कहता है, टेसा को रोकना बहुत जरूरी हो गया था, वरना वो सब कुछ एक्सपोज कर देती। जस्टिन उसे वो लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक शख्स मिलता है और उसे उस जगह लेकर जाता है जहाँ डायप्राक्सा के साइड इफेक्ट से मरने वाले सभी लोगों की लाश दफनाई थी और वांजा किलुलू को भी वहीं दफनाया गया था। सरकार ने उनसे जुड़े सारे सबूत मिटा दिए थे। इस नाम से इस दुनिया में कभी कोई शख्स नहीं थे। वो शख्स बताता है कि शायद तुम्हें भी वो लोग कुछ दिनों में मार देंगे और वो बताता है कि लॉरबीर तुम्हें साउथर्न सूडान में मिलेगा। लॉरबीर सूडान के एक विलेज में मेडिकल सेंटर चलाता था जहां वो सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करता है। वो बताता है टेसा और अर्नोल्ड उसके पास आए थे और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लेके जा रहे थे, जिसमें उसने बताया था कि डायप्राक्सा ड्रग कितना घातक है। पर ये बात बर्नार्ड को पता चल गई थी तो उन्होंने टेसा और अर्नोल्ड को रास्ते में ही मरवा दिया। वहाँ वो जस्टिन को एक लेटर देता है जो टेसा ने उसे दिया था। वो एक इंक्रिमिनेटिंग लेटर था, जो लेटर बर्नार्ड ने सैंडी को भेजा था, जिसमें डायप्राक्सा ड्रग के घातक होने का जिक्र साफ था। उस लेटर को लेकर जस्टिन वहां से चला जाता है। जस्टिन लेक तुर्काना बीहड़ में चला जाता है जहां टेसा को मारा गया था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर उसकी मौत हो तो इसी जगह हो। कुछ देर में वहां जस्टिन को भी मार दिया जाता है। दूसरे दिन हमें लंदन के एक चर्च का दृश्य दिखाया जाता है। वहां जस्टिन और टेसा की याद में एक मेमोरियल रखा गया था, जहां बर्नार्ड सबको बताता है कि जस्टिन ने टेसा की याद में सुसाइड कर लिया और मुझे इस बात का अफसोस है। उसके बाद जस्टिन का लॉयर हैम आ जाता है। हैम बाइबल पढ़ने के लिए जाता है, पर वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है जो बर्नार्ड ने सैंडी को भेजा था, जिसमें उसने डायप्राक्सा से होने वाले अवैध मौतों का जिक्र किया था। जस्टिन ने लेक तुर्काना जाने से पहले हैम को लेटर भेज दिया था। बर्नार्ड ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो चर्च से बाहर निकल जाता है, पर मीडिया के पत्रकार उसे घेर लेते हैं और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी नाइजीरिया के कानो शहर में घटित सच्ची घटना पर आधारित है। वहां फाइजर कंपनी छोटे बच्चों पर अवैध ढंग से एंटी बैक्टीरियल टेस्टिंग कर रही थी। दोस्तों, अगर आप इस केस के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया पर इस बारे में जानकारी मिल जाएगी और गूगल पर इससे जुड़े तमाम आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। इस फिल्म के लिए पहली चॉइस केट विंसलेट थी, पर डेट्स न मिलने के चलते रेचल वेस को कास्ट किया गया और रेचल ने टेसा के किरदार को बखूबी निभाया है। दोस्तों, आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।